अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया है, तकरीबन 1 kg के करीब है, और ये दूध लूक वार्म है 1 कप। इसके अंदर हम पहले यीस्ट को डाल देते हैं ताकि ये राइज हो जाए। ये यीस्ट के साथ 6 आते हैं, ये आपने 1/2 kg में 1 जाता है, तो 1 kg में ये 2 साशे जाएंगे। और अगर आप खुला हुआ यीस्ट लेते हैं तो वह आप 1 कप में 1 teaspoon यीस्ट डलेगा। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ये 1 kg मैदा है, इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून नमक और तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा। 2 अंडे डालेंगे, 1/2 kg में 1 अंडा और 1 kg में 2 अंडे। अभी अच्छी तरह से हम मिक्स करके क्रम्स की तरह कर लेंगे। अब इसके बाद ये यीस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखेंगे, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ये डो हमारा हो गया है, अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये राइज हो जाए। अच्छा, जब तक हमारा डो राइज हो, हम पिज़्ज़ा की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने ये लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा है, 1.5 कप के करीब दूध है, नमक है और ऑयल इसके अंदर यूज़ होगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। तो चलिए सबसे पहले वाइट सॉस बनाते हैं। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, ये इसमें हम मैदा डालेंगे। अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, पका लेंगे, इसका कच्चापन खत्म कर देंगे। और अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, ये 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ है, 200 ग्राम चेडर चीज़ है, इसमें से 1/2 हमने 100 ग्राम ले लिए जो अब हम वाइट सॉस में ऐड करेंगे। इसको 100 ग्राम हम चेडर चीज़ डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून नमक है, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर है। अच्छा देखिए, वाइट सॉस हमारी बन चुकी है, अब हम चिकन को तैयार करेंगे। चिकन हमने बॉईल ली भी है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और इसको हम प्याज हमने 1 डल्ली लिए बड़े साइज की, इसको हम अच्छी तरह से पहले सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर ये हमने 2 टमाटर लिए हैं बारीक, इसको चॉप कर लिए थे, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, 1/2 टी स्पून नमक इसमें डालेंगे, 1 टी स्पून इसके अंदर हमने रेड चिली फ्लेक्स डाले, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अभी हम ये इसके अंदर चिकन डाल देंगे, ये तकरीबन 300 ग्राम है, हमने चिकन पहले ही बॉईल कर ली थी।
अच्छा देखें, हमारी अब ये चिकन भी बिल्कुल हो चुकी है, सॉस भी रेडी है और डो भी हमारा राइज हो चुका है। तो अब हम असेंबलिंग शुरू करते हैं। अच्छा देखें, अब हम पिज़्ज़ा का पहले डो इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। पहले हम ऑयलिंग कर रहे हैं। अच्छा देखें, अब ये जो हमने सॉस बनाई थी इसके अंदर हम ये चिकन पूरी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो क्रस्ट है इसकी लेयर पे ये चिली सॉस, ये तकरीबन एक सालन का चम्मच में ले रही हूँ। ये डालेंगे और केचप भी इतनी क्वांटिटी में लेंगे, उसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे। फिर ये मोज़रेला चीज़ हम इस पर डालेंगे। बोलें तो अब ये जो हमने व्हाइट सॉस और चिकन का पेस्ट मिक्स किया था ये हम इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ये चेडर चीज डाल देंगे और बाकी चीजें। हम बजाओ। तो देखिए, हमारा पिज़्ज़ा असेंबल हो चुका है। अब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।